मतलब हरियाणा में कहावत है कि चला हुआ कारतूस, तो ये चले हुए कारतूस ही मिले इनका चुनाव लड़ाने के लिए। बीजेपी का पूरा चुनावी प्रचार रहता है परिवारवाद के खिलाफ। आप हरियाणा बीजेपी का एक्स का हैंडल देख लीजिए, सब हुडा पुता पुत्र, हुडा पुता पुत्र। इनमें पिता पुत्र देखो आप, श्रुति चौधरी, केनी चौधरी की बेटी, आरती राव, राव इंद्रजीत की बेटी, भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई बेटा, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। शक्ति रानी, विनोद शर्मा जी की पत्नी, शक्ति रानी की जी सुन लो जी, वो 3 दिन पहले पार्टी में आई और उसको कालका से टिकट दे दी। अब वो मेयर है अंबाला की, भाई इतनी लोकप्रिय है वो मेयर, तो अंबाला से क्यों टिकट नहीं दे रहे उसको, जबकि उनके जो मंत्री हैं उसकी हालत खस्ता है वहां पे, असीम गोयल की बरवाड़ा से अंबाला से हालत खस्ता है। तो ये जो पूरा टिकट वितरण है, ये टिकट वितरण मुझे लगता है, हम बचपन में ना घर बनाया करते मिट्टी के, देखे आपने, बनाए होंगे आपने मिट्टी पैर, पैर हाँ, लगा के पैर से, हाँ वो घर बनाते, और कोई कोई अलबादी बालक है ना, उसने उसका पैर मार जाया करता तो पूरा घर। तो ये जो बीजेपी का मिट्टी का जो घर था 10 साल में जो इन्होंने घरौंदा तैयार किया था, उसको मनोहर लाल जी इस खुन्नस में कि मुझे हटा दिया ना तो मैं तुम्हारे घर को भी डा जाऊंगा। तो ये उस तरीके से ये लिस्ट है। मेरा कोई बीजेपी से कोई व्यक्तिगत वैर भाव नहीं है, चूंकि 10 साल से ये प्रदेश में सत्ता में है। एक पत्रकार का काम है उस एक जो सरकार की गलत नीतियां उसकी आलोचना करना, तो मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। पर चूंकि अब चुनाव है तो लिस्ट अब देखिए आप, कल से ये बीजेपी कहती है कि मुझे ओबीसी के सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ गया। ये कहते हैं जी किसानों के सच्चे हितैषी हम हैं, किसान मोर्चा का इनका पार्टी छोड़ गया। ऐसा कल से भगदड़ मची हुई है, ऐसा लग रहा इनका जो विधायक है लक्ष्मण नापा, टिकट कटी पार्टी छोड़ गया। मतलब 10 साल में, आज अगर बच्चे को आप एक स्कूल में डालो, 10 साल में वो 10वीं क्लास पार कर जाता है, ठीक है। 10 साल में इनके जो वर्कर हैं, इन्होंने पहली में ही रखे वो सारे के सारे। अरे कुछ पढ़ाते उनको, राष्ट्रवाद का ही पाठ पढ़ाना चाहिए था। जो भगदड़ इन्होंने जो मचा रखी है, वो तो ऐसे भी लग रही है जैसे छुट्टी हुई, घंटी बाजी, ठंडा कोई बीच में घंटी नहीं बजाया गया, वो वाला काम कर दिया बीजेपी ने। अच्छा धर्मेंद्र जी, ये तो एक है ही चीज, इसमें एक चीज और समझ में आ रही है कि जो नेता है, मान लो टिकट नहीं मिली उनको, बीजेपी पे पता नहीं इतना क्यों भरोसा था कि बीजेपी की टिकट मिलगी तो सीधे ही जीत जाएंगे जो पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या ये नहीं होना चाहिए था कि उन्होंने ग्राउंड पे क्या काम किया है, फिर बस टिकट के लिए कर रहे हैं जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर ऐसा ही है तो निर्दलीय आ जाते आप अगर इतना जनता से जुड़ा। आज के दिन जो नेता है, जो राजनीति में है, जिसको पॉलिटिकल समझ है, उसको परिस्थितियों की भी समझ होती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग राजनीति में मूर्ख होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं ये। आज के दिन हरियाणा प्रदेश का जो पूरा चुनाव का समीकरण है वो एक बायोपोलर चुनाव है, या तो आप नदी के इस पार हैं या नदी के उस पार हैं, दो मुहान, बीच में यहाँ कोई नहीं है। तो जो मतदाता है वो क्लियरली डिवाइडेड है, या तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा या मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। तीसरी क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद ही खत्म हो गया है इस चुनाव में। तो जो नेता है उनको या तो टिकट चाहिए बीजेपी से, या उनको टिकट चाहिए कांग्रेस से, दूसरे लोगों से टिकट नहीं मांग रहा कोई। तो वो जो नेता रो रहे हैं बीजेपी, अब भगदड़ जो मच गई है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की टिकट आने के बाद भगदड़ नहीं मचेगी, भगदड़ कांग्रेस में भी मचनी है। हो सकता है भगदड़ बीजेपी से ज्यादा मचे, लेकिन बीजेपी की भगदड़ की चर्चाएं इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये तो दुनिया की सबसे अनुशासित पार्टी थे। मतलब कांग्रेसी तो हमेशा से ही ऐसे हैं, उन पे तो आरोप लगते हैं वो संगठन नहीं है आपका, ये नहीं है, आप लोगों को नहीं संभाल पाते। और स्टेज पर भी बहुत बार हम नोटिस किया है कि उनकी कुर्सियों के इस पर भी लोग बैठे जाते हैं बीजेपी भाई, वो तो परिवारवादी हैं, ये डिक्लेयर्ड है, वो अनुशासनहीन है, वो डिक्लेयर्ड है, वो अपने हित की सोचते हैं, ये भी डिक्लेयर। और ये बीजेपी वाले तो दुनिया की सबसे अनुशासित पार्टी के लोग हैं, आप इन्होंने क्या हाल कर रखा है इन्होंने, आप देखो अपना खुद का नहीं। फिर इसमें आप कहना ये चाह रहे हो कि मनोहर जी चले गए हैं तो उन्होंने अब इसको भी ऐसा ही बना दिया, रिवेंज है मनोहर, चुटकुले चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, किसी ने लिखा कि मनोहर जी बीजेपी को 2014 से पहले वाली पोजीशन में लाके छोड़ के जाएंगे, तो उनकी 4 सीटें थी उस समय, रिवर्स में चले गए हैं। तो ये रिवर्स में जा रहे हैं। और इस चुनाव में मैं पहले भी मैंने कहीं कहा है कि दो चीजें होती हैं चुनाव में, एक होता मैनेजमेंट। आजकल
जब राजनीति में थोड़े प्रशांत किशोर जैसे लोग आए हैं, इन्होंने सर्वे के महत्व बढ़ा दिए, मैनेजमेंट बीजेपी ने मैंने बताया लोगों को कि चुनाव मैनेजमेंट से भी जीते जाते हैं, लैपटॉप से भी चुनाव जीता जा सकता है, पन्नों से चुनाव जीते जाते हैं। कांग्रेस देसी पार्टी है, वो मैनेजमेंट को नहीं मानती, वो माहौल को मानती है। तो ये जो हरियाणा में ये जो चुनाव है, ये पूरी तरीके से माहौल वर्सेज मैनेजमेंट का चुनाव है। कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है, आज कांग्रेस कांग्रेस हो रही है, लेकिन कांग्रेस के पास संगठन नहीं है खुद का, उनके पास लैपटॉप वाले कैंडिडेट नहीं है। इवन कैंडिडेट तो छोड़ो, आज उनको ये भी भरोसा नहीं है टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। एक सीट पे 180 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि 179 लोग तो निराश ही होंगे उनमें। और दूसरा कांग्रेसियों से ये उम्मीद नहीं कह सकती कि टिकट कट गई और उन्होंने कहा पार्टी मेरी माँ है, उनके लिए तो पार्टी, उन्होंने ऐसा क्लेम ही नहीं किया कभी। बीजेपी वाले करते हैं कि पार्टी तो हमारी माँ है, संगठन सबसे सर्वोपरि है, कार्यकर्ता है। तो बीजेपी कांग्रेस वाले तो भगदड़ करेंगे, ये तो कांग्रेस वालों को भी पता है। लेकिन अब दिक्कत ये है, कांग्रेस ही अगर मान लो बीजेपी वाले भगदड़ करेंगे, ये कांग्रेस में भाग जाएंगे चूंकि सरकार बनने वाली है। ये कांग्रेस वाले अगर भगदड़ करेंगे, इनको लेगा कौन है? क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी सीट डिक्लेयर कर दी, या तो फिर बीजेपी इसको बदले सीटों को। इन पूरी जो सीट 67 नाम है, इनमें से अहिरवाल की सीटों को छोड़ के या गुड़गांव की एक दो सीटों को छोड़ के ये सारी जगह से चुनाव हारते दिख रहे हैं या मुकाबलों में फंसे हुए हैं। तो बीजेपी के हालात दयनीय हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया। कई लोगों ने इस पे भी लिखा कि हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैंने कहा जब कोई आदमी तुम्हें 15 लाख देने की कह गया, वो ही मुकर गया। मान लो मेरे कहेगा मैं तो क्या है? है लेकिन फिर भी चलो पॉलिटिकल चर्चाएं तो चलती रहनी चाहिए।